रिलेटेड टिल चैप्टर 10। टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। यानी कि जो अपने आदर्शों का पालन करता है वही इंसान महान बनता है। ये चैप्टर में एक छोटा सा बालक है जो डाकुओं को भी सिखाता है अच्छी राह पर चलना और उनको नेक आदमी बनाने के लिए मजबूर कर देता है। चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला, काफिला मीन्स यात्रियों का समूह जो झुंड में जाते हैं उनको बोलते हैं काफिला। What is meant by that? यात्रियों का समूह। एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। जैसे हमने लिखा, काफिला मतलब यात्रियों का समूह। अब बगदाद, बगदाद क्या है? तो बगदाद इराक जो है उसकी राजधानी है। जैसे हमारी राजधानी है दिल्ली, वैसे बगदाद एक राजधानी। इराक की राजधानी। ओके? रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। डाकू टूट पड़े तो मतलब हमला करना, तो ये एक मुहावरा है। डाकू टूट पड़ना तो एक मुहावरा है, उसका अर्थ होगा हमला करना। आगे, रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने पड़े। लूटमार यानी क्या? कि छीना झपटी करना, चोरी करना, तो उसका हम लिखेंगे लूटमार। लूटमार का अर्थ है छीना झपटी। नेक्स्ट, उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। अब जो वो काफिला था, जो समूह था यात्रियों का, वहाँ पे एक 9 साल का बच्चा था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर उस लूटमार को देख रहा था। तो वो क्या कर रहा था? कोने में खड़ा रहकर ये जो लूटमार चल रही थी उसको देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। अब जो डाकू था, तो एक डाकू की नज़र वो लड़के पर पड़ी। फिर क्या हुआ? लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला। कड़क कर बोला यानी कठोरता से, स्ट्रिक्टली ऐसे बोलना। तो क्या बोला उसने? तेरे पास भी कुछ है? तो वो डाकू ने पूछा उस लड़के से कि तेरे पास भी कुछ है? तो कड़क कर मतलब ये एक मुहावरा है। कड़क कर बोलना, तो इसका अर्थ है कठोरता से बोलना। लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। तो लड़के ने क्या बोला? कि मेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया मतलब कि सोने के सिक्के। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। डाकू चकित होकर, तो एकदम चकित हो गया और उसने पूछा, क्या है? तेरे पास 40 असरफिया है? तो एकदम चकित होकर उसने बोला कि तेरे पास 40 असरफिया है। लड़का, तो लड़के ने क्या जवाब दिया? जी हाँ, मतलब कि उसके पास 40 असरफिया है। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले आया। तो अब उसने क्या किया कि वो अपना जो सरदार था यानी कि मुखिया था, जो कैप्टन जैसा होता है वो, तो उसके पास वो हाथ पकड़कर लेके आया वो लड़के को। तो सरदार यानी सरदार मतलब मुखिया।
पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, ये लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। तो वो जो डाकू था उसने अपने सरदार से बोला कि ये जो लड़का है 9 साल का, वो बता रहा है कि उसके पास 40 असरफिया है। सरदार ने क्या बोला लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? तो उसने पूछा कि अगर तेरे पास है तो तुम दिखाओ कि तुम्हारे पास कहाँ है। लड़के ने अपनी सदरी को झाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। सदरी मतलब कि जो जैकेट पहना होता है उसके अंदर से, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। तो लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छिपी असरफिया निकाली, यानी जो जैकेट पहना होता है उसको बोलते हैं सदरी। हिंदी में उसको बोलते हैं जैकेट। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। बालक ने वो सरदार के सामने रखा और बोला, यह देखो। सरदार आश्चर्य से, यानी कि अचरज पावना, मतलब एकदम सरप्राइज होकर उसने बोला, आश्चर्य यानी लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? तो उसने पूछा कि इस तरह से असरफियां जो तुमने छुपाई है तो उसका तुमको किसने बताया? तो उसने क्या बोला, लड़के ने बोला, मेरी माँ ने उनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। तो उसने बताया कि मेरी माँ ने जो जैकेट है उसके अस्तर के अंदर वो सी दिया था जिससे किसी को पता ना चले। तो उपाय यानी जैसे मैंने बताया एक तरीका, लड़के ने क्या जवाब दिया था, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में से सी लिया था जिससे किसी को पता ना चले। किसी को पता ना चलना मतलब कि मालूम ना पड़ना, ये एक मुहावरा है। पता ना चलना, पता न चलना मतलब मालूम न होना। सरदार ने क्या बोला, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बताया? तो उसने लड़के से पूछा, तो अगर छिपाना ही था तो तूने हमें क्यों बताया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। तो अब उसकी माँ ने क्या सिखाया था उसको कि हमेशा सच बोलना, सदैव यानी कि हमेशा सच बोलना। मैं झूठ कैसे बोलता, मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना यानी कि हमेशा सच बोलना। झूठ बोलना पाप है, तो उसकी मम्मी ने उसको सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है। सरदार ने क्या कहा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। तो सरदार ने सारे डाकुओं से ये बोला कि ये ऐसे संकट में है, मुश्किल में है, जब डाकुओं ने इसको घेर लिया है तभी वो अपनी माँ की सिखाई हुई सीख को याद करके झूठ नहीं बोल रहा है। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। नेक रास्ता यानी सही रास्ता, अच्छा रास्ता। तो ये एक मुहावरा है। नेक रास्ता यानी सही रास्ता नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। तो उसने क्या बोला कि हम तो अच्छे राह पर नहीं चलते हैं और हम लूट मार करते रहते हैं। तो सब डाकुओं ने क्या बोला, सरदार बात तो ठीक है। तो सब डाकुओं ने भी क्या बोला कि सरदार की बात तो सही है कि इतना छोटा बालक है वो अपनी माँ की सिखाई हुई सीख को भी याद रखता है मुश्किल में, और हम तो इतने बड़े होने के बाद भी ये लूटफाट करते हैं, लोगों को लूटते हैं।
फिर सरदार ने कहा इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। तो सरदार ने क्या बोला कि ये जो सारा हमने यात्रियों से सामान चुराया है वो उनको वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूट मार न करने की प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा ली क्यों ली? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये इतना छोटा बच्चा इतनी ईमानदारी से अपनी मम्मी का जो कहना मान रहा है, अच्छे राह पे चल रहा है, तो हम भी अच्छे राह पर ही चलेंगे। यानी कि प्रतिज्ञा लेना यानी कसम लेना। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। तो ये जो बालक था उसका असली नाम था अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ, मतलब महान बहुत बड़ा इंसान बना। उनकी समाधि बगदाद में है। समाधि यानी कि जो मकबरा होता है वो, तो उनकी समाधि अभी भी बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ हर साल बहुत सारे लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो ये चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि जब एक छोटा सा नन्हा सा बालक, 9 साल का बालक, डाकू को भी सही राह पे लाने पे मजबूर कर देता है, किससे? अपनी सोच से, अपनी माँ ने जो सिखाया है उसको। वो अपने दिमाग में भले कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन जो झूठ नहीं बोलते हैं, सच्ची राह पे चलना है, वो सब बातें याद करके उसने डाकुओं को भी मजबूर कर दिया कि सही राह पे चलना चाहिए हमेशा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। शब्दार्थ और मुहावरे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। थैंक यू।